वो क्या है ना कि मुझे वेलकम फिल्म में वो नाना पाटेकर का जो डायलॉग है वो याद आ गया, क्योंकि जो अगली स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो मिरेकल से कम नहीं है। वैसे ये मिरेकल नहीं है, ये तो हमारी टीम की मेहनत और आपके प्यार का नतीजा है। वेल टॉकिंग अबाउट मिरेकल्स, भैया ये अचंभित होने की बात है कि हमारी जो प्राची और सिड है उनके रिश्ते को एक साल होने को आया है, बल्कि एक साल हो गया है। एक साल से हमारी प्राची प्रेग्नेंट है लेकिन दिखती नहीं है। वैसे टेक्निकली देखा जाए इट्स नॉट सच अ बिग थिंग, बिकॉज अगर आपको याद हो कि प्रज्ञा तो 4-5 साल तक प्रेग्नेंट रही थी। जिस सच का पता रणबीर को आज से पूरे 1 साल पहले ही पता चल जाना चाहिए था, वो सच उसे आज पता चला है। सिड ने डरते डरते ही सही रणबीर को रिया और आलिया की इस सारी सच्चाई बता दी है कि प्राची और सिड के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके चलते प्राची माँ बनने वाली है। ये एक झूठ है और इस झूठ को 1 साल से ढो रहा है बेचारा सिड। मैं क्या बात तुझे रणबीर, प्लीज मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, बार बार हाथ मत लगा मुझे। क्यों मारेगा मुझे? मारेगा तू मारेगा, मैं मर जाऊंगा पर तब भी तू चुप रहेगा। और मैंने पहले भी तेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मुझे मारा है ना, तब भी तूने कुछ बोला नहीं। जो चीजें बतानी थी वो तूने बताई है, फिर दिल में रखी, जहन में रखी, और वो जहन में रखने से क्या हुआ, कुछ चीज आगे नहीं बढ़ पाई, सब खराब हो गया। तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और तूने तो बताया नहीं मुझे, लेकिन तूने प्राची को भी मना कर दिया बताने से। वो तो कम से कम बता देती, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तुम दोनों को समझ में आ जा, ज्यादा गुस्सा मुझे तुझ पे आ रहा है। तू कैसे सोच सकता कि मैंने जो बोला वो असलियत है, क्योंकि तूने मुझे कहानी सुनाई ऐसे से खड़े होकर सबके सामने। अब सोचिए भाई, जरा ये बात भी तो सोचिए कि 1 साल हो गया प्राची प्रेग्नेंट है, लेकिन प्राची के शरीर को देखकर भला कौन कहेगा कि 1 साल से प्राची प्रेग्नेंट है। वो सच जिसकी वजह से तुम इससे शादी करे, वो सच जिसकी वजह से इसने तुम पे इल्जाम लगाया है, वो वाला सच जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तुम, मैं और हमारा बच्चा। हाँ हमारा बच्चा, हमारा। 1 साल से सिर्फ फ्रेम हो रखा था कि उसका प्राची से कोई अफेयर है और प्राची इज प्रेग्नेंट विद सिड चाइल्ड। एंड थैंकफुली थैंक्स टू मी इम्पल्सिवली या डर के मारे मैंने उसको, रणबीर को सब कुछ सच बता दिया। अब इस चीज़ को 1 साल लगे, 1 साल से एज अ कैरेक्टर सिड बहुत दबाव रहा है, ऐसा नहीं था वो, एंड बहुत कुछ, बहुत सारे इमोशंस लेके मार खाता रहा, सहता रहा, बातें सुनता रहा, पर किसी को कुछ बोला नहीं बिकॉज उसको अपनी सौतेली बहन बचानी थी। एंड फाइनली लास्ट मुझे याद है, आई थिंक November 20th or 26th को, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये कांड हुआ था जब सिड को फ्रेम किया गया था प्राची के साथ। एंड प्राची बेचारी तब से सफर ही करती रही है। आज 1 साल बाद सिड ने खुलासा किया, एंड सिड ने बताया रणबीर को, रणबीर बहुत गुस्से में है, रणबीर बहुत कुछ कर सकता है, सिड इसलिए अभी और घबराया हुआ है। वैसे ये ताज्जुब की बात नहीं है कि, क्योंकि सीरियल में ऐसा होता ही है। याद होगा आप सबको जब प्रज्ञा भी तो सालों साल से प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रज्ञा को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। तो सीरियल में ऐसा वाला चलन तो चलता ही रहता है। फिलहाल अब घर वालों के सामने रिया की सच्चाई आ गई है। देखना ये होगा कि अब इस सच्चाई को कैसे गोल गोल घुमाकर ये घर वालों को पिला देती है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।